आज देखो हमें पढ़ने वाले सिक्स पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल बना हुआ है। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर। ठीक है। रानी हैज डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इनटू सिक्स इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। ठीक है। ये जो ग्रीन वाला जो रेक्टेंगल है उसके उन्होंने कितने हिस्से किए हैं? सिक्स। बराबर बराबर, ठीक है। अब बराबर बराबर इसके हिस्से हो रखे हैं, ये कैसे पता चलेगा? स्केल से नाप के आप पता कर सकते हो इसके जो साइड्स हैं वो कितने कितने हैं। ठीक है। अब देखो लगभग कितने का है ये, 1. कितना है ये, 1.2। ठीक है। तब सारे नाप लेंगे तो ये 1.2 होंगे, तो इसका मतलब ये सारे क्या हैं? बराबर। ठीक है, क्लियरली पता चल जाएगा। या इसके अलावा अगर हम सेम इसी को हम अपनी जो हमारी जो नोटबुक है नोटबुक के ऊपर भी ट्रेस करके देख लेंगे तो उन बॉक्सेस को हम गिन लेंगे तब भी हमको क्या पता चल जाएगा यार कि क्या ये बराबर हैं या नहीं है। ठीक है। अब देखो अब आपको इसके अलावा क्या करना है, ये तो उन्होंने किया हुआ है। नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल्स इनटू सिक्स इक्वल पार्ट्स, यूज अ डिफरेंट वे फॉर ईच ऑफ द थ्री रेक्टेंगल्स। अब आपको क्या करना है कि ये जो तीन नए रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, दो ये येलो वाले और एक ये ब्लू वाला, इनको भी छह अलग अलग हिस्सों में बांटना है लेकिन किसी दूसरे तरीके से। समझ गए? तो अब एक एक करके करते हैं हम। एक तो देखो क्या हो सकते हैं, हम इसके इक्वल इक्वल क्या कर सकते हैं, सिक्स पार्ट्स कर सकते हैं, ऐसे में कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नापना पड़ेगा। कितना है ये, 2.6 या 2.7। तो 2.6 के हमको क्या करने पड़ेंगे, छः बराबर बराबर भाग करने पड़ेंगे और वहाँ वहाँ पर पॉइंट्स लगा के क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। हम अंदाजे से कर देते हैं। ठीक है, पहले इसको ठीक बीच में खींच लेते हैं एक लाइन। ठीक है, दो टुकड़े हो गए। एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। ठीक है, जब आप नाप के करोगे तो बिल्कुल क्या आएंगे, ये बराबर बराबर आएंगे। ठीक है, एक तो हो गया ये तरीका। अब हमको इस समय हमको कैसे में करने, ऐसे में। तो नाप लेते हैं फिर से इसको इस साइड से। अब कितना आ रहा है, 5. कितना आ रहा है, 5.8 आ रहा। तो 5.8 को आप 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 5.8 डिवाइडेड बाई 6 कितने मार जाएगा बताओ, 58 में कितने मार जाएगा, 58 में 9 बार। ठीक है, ठीक है, लगभग 0.9, मतलब लगभग आपको 1 सेंटीमीटर की एक लाइन चाहिए, लगभग 1 सेंटीमीटर की। देखो 9, 18, 3, ठीक है, हो गया 1, 2, 3, यहाँ से देख लो 9, फिर देख लो ये 8, फिर ये देख लो 7। ठीक हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। ये बराबर बराबर इससे हो गए। वैसे हमने ऊपर भी करना है। ठीक है, जैसे कि हमने आप अपने हिसाब से करना है। ये मैंने सिर्फ क्या कहा था, इमेजिन करके किया था, आपको मेजर करके करना है। ठीक है, अब देखो एक ही लास्ट वाला बचा हुआ है, और क्या तरीके हो सकते हैं हमारे पास। अब सर बॉक्स, सर बॉक्स, बॉक्स बना के कर सकते हैं हम ऐसे में डायरेक्ट। यस सर। दो नाप लेते हैं इसको, कितना है ये, लगभग 6 है, 6 से थोड़ा सा कम है, तो 2 पे ले लेते हैं, 2 पे ले लेते हैं। हो गया। अब देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखो, डिस्कस हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल। अब वो बोल रहे हैं कि आप कैसे चेक करोगे कि जो हर एक जो पार्ट है वो इसका 1/6 है, मतलब जो पूरा जो रेक्टेंगल है उसका ये एक 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 का 1/6 है, ये कैसे पता चलेगा, मतलब 6 में से वो एक हिस्सा कैसे एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा। तो एग्जैक्टली क्या करोगे, आप इसके बॉक्स के ऊपर ट्रेस करोगे जो आपकी नोटबुक है, और सारे बॉक्सेस को गिन के आपको पता चल जाएगा कि ये सारे बॉक्सेस बराबर बराबर होने चाहिए। अगर बराबर बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। अब वो एक क्वेश्चन और है इसमें, द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। अब देखो यहाँ पर देखो, ऊपर करो जरा, द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। जो ग्रीन वाला जो रेक्टेंगल है इस ब्लू वाले से ज़्यादा है, दिख रहा है साफ, बड़ा दिख रहा है। Can we say that 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle? अब देखो, एक जो इसका ये वाला पार्ट है ये 1/6 है। Yes, sir. वैसे सेम इसका जो एक बड़ा पार्ट है वो भी 1/6 है। Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ कि ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, बड़ा। अब माना कोई हम आपको बड़ी चीज दे दें, बड़ी चीज में से बड़ी चीज हमको
यहाँ पर जितने भी हमारे क्लास में बच्चे हैं कितने 16 बच्चे हैं, कोई बड़ी चीज़ हमको 16 बच्चों में बांटनी है, ठीक है, और एक छोटी चीज़ हमको 16 बच्चों में बांटनी है, तो बड़ी चीज़ से आपको ज़्यादा मिलेगा कि छोटी चीज़ से ज़्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली बड़ी चीज़ से ज़्यादा मिलेगा। तो वैसे ही इसका मतलब जो ये ग्रीन वाला जो इसका एक टुकड़ा है वो इस ब्लू वाले के एक टुकड़े से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है।